सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ का, नाम क्यों चेंज करना है। मैम अगर मैं नेम चेंज नहीं करूँगी तो मुझे प्रॉपर्टी मिलेगा। सो मेनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद नेम चेंज। सम पीपल थिंक कि शादी करने के बाद जो भी प्रॉपर्टी है वो हम दोनों का है। ऐसा कोई लॉ ही नहीं है इंडिया में। इंडिया में वाइल यू आर अलाइव आपको कोई हक नहीं है हस्बैंड के। ओह माय गॉड, यू लॉस्ट इट। मेरा सुझाव ये है कि मैं बूमर आंटी बन जाऊं और बोलूं कि प्लीज डोंट शेयर न्यूड्स। हाउ अबाउट द रिलेशनशिप्स दैट पॉप अप एट द वर्कप्लेस, फॉर एग्जांपल द सेक्रेटरी एंड द बॉस। आप ये नहीं करोगे मेरे साथ तो मैं आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। देयर all these cases, but आपने consent के साथ you have slept with your boss or you had an affair with your boss. Good for her or good for him. You've been dating him, you have been going out with him, you've been sleeping with him. So that is a very difficult area to navigate. So we give out advice that कभी भी unless you're 100% sure, don't give a promise to marry. While having sex, if you remove your condom, yes, this is again illegal. You feel you have been cheated, you have had sex without consent, then you can go file a case. मतलब ये बहुत common है, इन condom निकाल देना, condoms में holes बनाना, तो that is actually a crime, but it is not a very well defined crime. तो जैसे girls बोलते कि मैं suicide कर लूँगी अगर तुम मुझसे शादी नहीं, मैं हाथ काट दूँगी, common है इंडिया में बहुत, even boys do this, so that also is a form of crime. Miss Kaul, Miss Appachu, Miss Tanya, how should I address you? Tanya's good. Tanya's good. You are one such inspired lady who has been empowering and educating women in this country. So thank you for doing that, and thank you for choosing to spend this afternoon with us. Thank you. Thank you so much for having me. Great. ये बताइए कि how does it feel to live with a new identity? मतलब शादी के बाद ऐसा होता है कि हमारा नाम चेंज हो जाता है। हाँ. लेकिन मिस तान्या थी, वो मिस तान्या से तान्या कॉल बन चुकी हैं, लेकिन तान्या अपाचू कॉल बन चुकी हैं। सो हाउ डज़ इट फील कि एक नई आइडेंटिटी के साथ, बिकॉज वी एज मेल्स हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग दिवस गुप्ता थे और वही रहेंगे, बट देन आप अपनी ज़िंदगी के पहले 20-25 साल एक नाम से जी रहे होते हो, देन यू हैव अ न्यू आइडेंटिटी। तो हाउ डज़ इट फील? एक्चुअली आई थिंक ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ का कि नाम क्यों चेंज करना है। किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है कि नाम चेंज करना है शादी के बाद, बट आजकल अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक नाम नहीं चेंज करना। एक्चुअली ऑड तो लगता है कि आप किसी नाम से जाना चाहते हो एंड देन आफ्टरवर्ड्स सडनली यू आर समबडी एल्स। तो लाइक माय हस्बैंड इज़ फ्रॉम द फौज, तो वहाँ पे आपके नाम से बुलाते ही नहीं है, तो आप मिसेस कॉल हो। तो दैट इज़ अनदर बिग step के hi, how can you just not be called by your name? तो I think it's a drastic change, पर हमारे society ऐसा है कि ladies somewhere mentally prepared होते हैं कि शादी के बाद नाम change करना है, and there's so many problems associated with name change which people don't realize. उनको लगता है कि मेरे husband का नाम लिख दूँगी और काम ख़त्म, but actually बहुत सारे चीज़ें associated है उससे। तो आई पर्सनली नॉट चेंज माई नेम एज येट। मैंने ऐसे शौक के लिए ऑनलाइन लगा लिया है अपने हस्बैंड का नाम, बट आई हैवंट चेंज्ड इट ऑफिशियली, विच आई डोंट फील द नीड टू चेंज ऑफिशियली, एंड आई डोंट फील द नीड टू चेंज माई नेम एवरीवेयर। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, तो आई एम हैप्पी विथ हाउ एवर इट इज़, बट येस आई थिंक इट इज़ अ थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज तो है वो। एज पर लॉ कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको नाम चेंज करना ही है, इट्स कम्प्लीटली अप टू द लेडी कि उन्हें चेंज करना है नहीं करना है। मतलब लॉ में ऐसा कुछ क्लॉज ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है कि आपको नेम चेंज करना है। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक के इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट टू चेंज योर नेम, बट इट इज़ ओनली अ सोसाइटल रिक्वायरमेंट कि आपका नेम चेंज ट्रेडिशन है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम अगर मैं नेम चेंज नहीं करूँगी तो मुझे प्रॉपर्टी मिलेगा कि क्योंकि कोई हस्बैंड्स होते हैं कि हम घर खरीदेंगे साथ साथ, तो आपका नाम चेंज करना है, अदरवाइज आपको कोई हक नहीं है प्रॉपर्टी पे, या इन लॉज की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। मतलब पीपल से रैंडम थिंग्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। I've even heard that with respect to investments that are being made, या फिर अगर सपोज बच्चे की एजुकेशन होनी है तो जो नाम है मदर फादर का उसमें सरनेम कॉमन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ये सब काल्पनिक बातें हैं वो सब। इट्स जस्ट अ सोसाइटल नीड टू चेंज कि आप कैसे नहीं चेंज किया, पर लीगली एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, शादी के लिए, नथिंग। यू जस्ट नीड, यू विल नीड अ सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज। जैसे आप कोई पासपोर्ट का काम करोगे या एनी काइंड ऑफ लीगल वर्क, देन यूल हैव टू शो योर सर्टिफिकेट मे बी टू मेक थिंग्स ईजियर। वो भी नहीं है तो चल जाता है हमारे कंट्री में। Got it. Yeah. आपने कहा मुझे कि they would look at कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ. तो ये सवाल उन सभी महिलाओं के लिए है जो कि गोल्ड डिगर्स हैं, who want to marry someone just because कि पैसा ही पैसा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, पैसा ही पैसा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। Now अक्सर हम समाज में कहते हैं कि इट्स द फीमेल हु इज़ द विक्टिम ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स। कई बार मेल्स भी विक्टिम होते हैं अगर वो खुदा ना खास्ता एक ऐसे शख्स से शादी कर लेते हैं जिनका कोर ध्यान सिर्फ उनके मनी पे था। तो हेल्प मी अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, जो एक वाइफ है उनका क्या क्या राइट है। सो दिस इज़ द मोस्ट मिसकंसीव्ड थिंग कि हमारे इंडिया में मैरिटल प्रॉपर्टी करके कुछ बनता नहीं है। जैसे सम पीपल थिंक कि शादी करने के बाद जो भी प्रॉपर्टी है वो हम दोनों का है। ऐसा कोई लॉ ही नहीं है इंडिया में। इंडिया में वाइल यू आर अलाइव आपको कोई हक नहीं है हस्बैंड के प्रॉपर्टी पे। सो जो गोल्ड डिगर टर्म है, गोल्ड डिग नहीं कर सकते हो आप क्योंकि ऑप्शन नहीं है। See, when you see a big house or a huge family, a business family, आपको बस वो lifestyle मिलेगा, आपको उसमें कुछ और नहीं मिलेगा। घर नहीं मिलेगा आपके नाम पे, फादर इन लॉ के घर नहीं मिलेगा, हस्बैंड के घर। ओनली टाइम यू गेट इट इज़ when your husband passes away. Then you become the class 1 legal heir of your husband और आपके बच्चों को उसका शेयर मिलेगा। More like an LIC policy. Yes, exactly. जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। So बस वही है। So that is the only way. And in fact, if your husband writes a will, not giving you any property. ऐसा भी है। हाँ, why not? अगर उसका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी आर ऑफ टू टाइप्स, एंसेस्ट्रल एंड सेल्फ एक्वायर्ड। तो एंसेस्ट्रल में तो वैसे भी वाइफ को कुछ नहीं है। ओनली पीपल जो उस फैमिली में दे आर बॉर्न इन दैट फैमिली, ओनली दे हैव राइट टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। के बच्चों को राइट होगा बट बीवी को राइट नहीं होगा। अब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब जो आपके हस्बैंड ने खरीदा है खुद से, तो आपको उस पर ओनली इफ ही पासेस अवे विदाउट लीविंग अ विल, फिर आपको सक्सेशन लॉस में आप फर्स्ट क्लास लीगल हेयर हो। अगर आपके हस्बैंड विल छोड़ दिया कि बीवी को कुछ नहीं देना है, बच्चों को देना है या सिस्टर को देना है, कुछ भी फ्रेंड को देना है, चैरिटी में देना है, दे कैन डू दैट। देन यू हैव नो राइट ओवर इट। इफ़ ही हैज़ मेड अ विल इन साउंड माइंड, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आई कीप एडवाइजिंग पीपल के अपना कमाई कर लो, घर अपना पैसे दे के, EMI दे के बाय अ हाउस। दैट्स द ओनली टाइम यू हैव अ राइट ओवर द हाउस। हस्बैंड्स प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज हिज प्रॉपर्टी। जिसने पैसे दिए हैं प्रॉपर्टी उनके हैं। तो कोई केसेस में हस्बैंड वाइफ के नाम पे खरीदते हैं घर क्योंकि टैक्स वैक्स थोड़ा कम होता है, देन दे बाय इट इन द वाइफ्स नेम। तो इन सच केसेस समटाइम्स द वाइफ विल गेट द हाउस। Sometimes क्यों, जब उनके नाम पे है। Yeah, so there are cases where husband has proved that सारा पैसे मैंने भरा है, then the house should be mine. So there are judgments where men have got the entire house, although the house has been registered in the wife's name. So it's a difficult world out there. So don't ever rely on your husband's प्रॉपर्टी और वेल्थ, यू नो, इट्स नॉट वर्थ इट। जो आपको बोला जाता है कि हस्बैंड टेक केयर करेगा, एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो नथिंग विल गो रॉन्ग. हस्बैंड हिमसेल्फ विल यू नो आपका घर है आपके नाम पे कर देंगे या जो भी, साथ साथ यू ऑल विल लिव टुगेदर इन द हाउस. बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग देन व्हाट, यू आर लेफ्ट विद नथिंग. एट टाइम्स आई फील कंसर्न फॉर फीमेल्स कि इस सोसाइटी में कुछ घरों में कुछ परिवारों में ऐसा कहा जाता है कि ये जो बेटी है ये तो दूसरे घर की है, डोली यहाँ से उठेगी अर्थी वहाँ से उठेगी, नो हार्श वर्ड्स. एंड दैट लेडी लिव्स विद अ फियर कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ. इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग इन अ इन लॉज प्लेस शी हैज़ नो वेयर टू गो. एंड ऐसा लगता है मुझे कि पिछले बहुत सारे डेकेड्स में हमारी जो मदर्स हैं या उनकी जो जनरेशन है they didn't have an option. Financial independence was missing, so they had no place to go कि अगर कुछ गलत हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी. सो वो घुट घुट के, चाहे चीज़ें काम नहीं भी कर रही थी, उनके अगेंस्ट थी तो भी वो चलती रही. So do you feel that something should be there from her parents, जो उनके फादर या मदर हैं, उन्हें अपनी विल में अपनी बेटी को देना चाहिए कुछ, इंस्टेड ऑफ अगेन फॉलोइंग द पेट्रियार्कल नॉर्म्स कि अगर बेटा है तो उसको ही दे दो सब कुछ. तो वही है ना, नाउ द लॉ सेज के अ वुमन हैज़ इक्वल राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अ पेरेंट्स जस्ट लाइक अ सन. ठीक है, तो पेपर में लॉ है बट हाउ मेनी फैमिलीज आर एक्चुअली गिविंग देयर डॉटर्स इक्वल शेयर. इन फैक्ट आई वॉज जस्ट स्पीकिंग टू अ फ्रेंड येस्टरडे हु has property worth, her father has property worth 2,500 crores, Sara written off to the son, nothing for her. So you know she was actually complaining that if I had known this, if I was brought up like that कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो my life would have been different. I would have probably gone on a different path. I would have started something. But आपको पूरी ज़िंदगी ये lifestyle दिया गया है कि you don't थिंक कि मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद गर्ल्स. पेपर में है लॉस बट हाउ मेनी फादर्स आर एक्चुअली गिविंग देयर प्रॉपर्टी टू द डॉटर. एंड हमारे कंट्री में कितने गर्ल्स हैं जो केस डालेंगे अपने पापा पे या पेरेंट्स पे कि मुझे प्रॉपर्टी का इक्वल हिस्सा चाहिए. अगर एंसेस्ट्रल है तो मिल जाता है, इफ़ यू फाइल अ पार्टीशन सूट ancestral property पे फिर मिल जाएगा. अगर self acquired property है पापा का तो you can't ask. He has right to give it to anybody he wants. Your parents have the right to give it to anyone they want. तो फिर what do you do then, right? So that is the problem. You have laws on paper but our society works in such a way कि options बहुत कम होता है. So yes, अगर instead of you know giving money for a grand crazy wedding या dowry देना, I know dowry is illegal but देते हैं, सब लोग देते हैं इस कंट्री में. प्यार का ये तो हमारा गिफ्ट है, गिफ्ट है. और डिस्कशन भी होता है exactly, कि यू नो इतने, दैट इज अनदर स्टोरी कि आपके वर्थ, मैंस वर्थ क्या है, इज ही एन इंजीनियर, इज ही एन IAS ऑफिसर, उसके हिसाब से डाउरी इज डिस्कस्ड. तो इफ़ यू आर गिविंग 50 लाख 60 लाख डाउरी, गिव इट योर डॉटर एटलीस्ट विद अ सेफ्टी नेट फॉर हर. यू नो I think parents should also be a little, मतलब सारा आप बोझ husband पे डाल दोगे. Why? If you're giving 60 lakhs, you give it to your daughter. Let her take care of it instead of giving it to the son-in-law, the son-in-law's family. So a lot of things, you know, these are all traditions which need to change. But बहुत time है उसके लिए, पता नहीं है. आज की दुनिया में भी लोग डाउरी वाउरी देते हैं तो आई फील पिटी फॉर दोज गाइज हु आर ऑन सेल. वो कहते हैं कि सी लुक एट दिस प्राइस टैग, आई एम एन IAS ऑफिसर, आई एम एन IIT, मुझे इतना मिलना चाहिए. सो आई फील कि यार आजकल डिस्काउंट चल रहा है नहीं चल रहा है बता दो यार. सो इनफैक्ट द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू अ क्लाइंट, तो उसका शी हैड अ मैरिटल प्रॉब्लम एंड शी सेड आई वांट द डाउरी माय फादर हैज गिवन बैक. मुझे कुछ नहीं चाहिए मैम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे फादर ने 50 लाख दिया है और मुझे बस वही चाहिए पैसे. सही सर, किस चीज़ के लिए 50 लाख दिया? नहीं, हमारे में गवर्नमेंट सर्विस में जो है उनको 50 लाख मिलता है. आई सेड क्यों, मतलब क्यों, व्हाट हैव यू अचीव, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ हिम दैट यू गिविंग हिम 50 लाख? मैम गवर्नमेंट जॉब में है वो, मतलब बड़ी बात है वो, हम तो, हमारे में तो ईजिली मिल जाता है 50 लाख. सो आई सेड ऐसा कुछ है नहीं लॉ के आप कोर्ट में जाके बोलोगे कि मुझे मेरा डाउरी वापस चाहिए. ऑब्वियसली पहले चीज़ लेना और देना डाउरी इज़ इलीगल. So you don't even have the right to go and ask the court for that money back. Holding back money. Yes. So I said, please use your brains, you know, when it comes to marriages. Ke, don't unnecessarily spend money. There are so many men in this world. I'm sure you can find somebody who's not asking for dowry. Mm-hmm. Right? But वही है, culture है हमारा के. फिर लॉ की स्टैंडिंग कहाँ है अगर सब कुछ कल्चर पे ही बेस्ड है, सोसाइटी पे ही बेस्ड है? सी अनलेस आई गो इफ से यू नो आई एम गेटिंग मैरिड और मेरे फियांसे के साइड डाउरी मांगते हैं तो आई हैव द राइट टू गो फाइल अ केस. समबडी एल्स वॉचिंग हैज़ अ राइट टू फाइल अ केस. अगर कोई केस ही नहीं फाइल करेंगे तो वॉट विल द लॉ डू? आप जाके हर जगह हर घर में जाके नहीं चेक कर सकते ना कि शादी के बाद हो रहा है तो डाउरी मांग रहा है. सो somebody has to raise the issue, somebody has to file the case, then it will go to court, then the court will discuss कि ये क्राइम है, आप नहीं कर सकते, फिर सज़ा देंगे. That is how law is implemented, right? अगर जिसके पास cause of action है जाके फाइल करने के लिए वो कर ही नहीं रहे तो फिर they have a fear कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी. Our daughters would not get married to anyone because nobody will come to us. तो वो उस thought के साथ ये परंपरा चली जा रही है, चली जा रही है, वो अभी भी चलते जा रहा है. And these people are not uneducated, right? If you're an IAS officer and you're getting 2 crore dowry, you're not uneducated. You are in fact policy makers of our country. And you're taking dowry, which is very, very, it's a norm in most, वो बेल्ट बिहार यूपी उस झारखंड बेल्ट में इट्स वेरी कॉमन. तो what do you do then? साउथ में भी आंध्र प्रदेश आई गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स लाइक हमने 1 करोड़ का डाउरी दिया. इट्स वेरी वेरी कॉमन. एंड द गर्ल इज एजुकेटेड, गर्ल हैज़ मास्टर्स, गाय हैज़ मास्टर्स, US में है, ग्रीन कार्ड है तो और पैसे देना पड़ेगा. So it's hilarious and you can't do anything about it unless people उनका mindset change करने के लिए they are ready. I see like another 2-3 generations down. Have you seen some examples which are outside the country? मतलब जो इंडिया से बाहर के लोग हैं वहाँ भी ऐसा कुछ होता है? Because I haven't like dealt with them or known them कि उनकी लाइफ में ऐसा भी होता है कि dowry and all. Are you saying with foreigners or Indians settled outside? No, with the foreigners. I don't think so. वहाँ पे ऐसा नहीं है. They don't have that system of maybe gifts देते होंगे, but they don't have the system of dowry. It's a very Asian thing. Maybe like countries like Pakistan, Bangladesh, maybe Asian countries have it, but not outside. I've never heard of this social evil there prevalent in other countries. इंटरेस्टिंग ये लगता है मुझे कि हमारे समाज में ना जो ऐसे एलिमेंट्स हैं वो हर स्ट्राटा पे हैं. हम अक्सर कहते हैं कि जो अमीर आदमी है वो बहुत बुरा है. वी हैड दोस बॉलीवुड मूवीज़ विद अमरीश पुरी एज द विलन कि बहुत अमीर है, यू नो, इंडस्ट्री ओनर है, एंड जो गरीब आदमी है वो बहुत ही बेचारा, किस्मत का मारा. अग्री. आई फील हर स्ट्राटा पे, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हर जगह पे है. हर इंसान अपने अपने लेवल पे सो कॉल्ड करप्शन, सो कॉल्ड डाउरी, सो कॉल्ड ब्राइब ले ही रहा है. गांव में एक्स लेवल का होगा, शहर में 10x लेवल का होगा, बट लेवल तो होगा ही होगा. इट्स समथिंग लाइक कि अगर एक स्कैम हो रहा है, वो स्कैम कितना बड़ा है, दैट मेक्स द वेल्दी गाय एज अ बैड गाय. ऐसा लगता है आपको? आई लाइक मैंने एटलीस्ट इन टूडेज वर्ल्ड आई सीन के जो थोड़ा लोअर स्ट्राटा के सोसाइटी से, जैसे टेक योर ओन हाउस होल्ड हेल्प, अपने अपने घरों में देखना हाउस होल्ड, दे आर मोर अवेयर है. उनके यहाँ भी ईवल से अलग टाइप के हैं. हस्बैंड ड्रिंक्स एंड बीट्स देम अप, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है उस स्ट्राटा में, बट दे आर मोर लीगली पॉलिटिकली मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स. जो यू सी इवन एजुकेटेड वीमेन विल नॉट हैव, विच इज़ एक्चुअली सरप्राइजिंग. द मोर एजुकेटेड दे आर द मोर वो कुएँ में बैठ जाते हैं कि उनको अपने एजुकेशन या अपने सोसाइटी के अलावा कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है. एंड यू गो डाउन, अपने हाउस होल्ड हेल्प देखो, जो काम पे आते हैं देखो, दे आर मोर अवेयर पॉलिटिकली, दे आर मोर अवेयर, दे नो हु दे वांट टू गो टू वोट. आस्क एन अर्बन वुमन, उनको पॉलिटिक्स का क्या चल रहा है दे वोंट इवन नो अबाउट इट. सो येस, एवरी सोसाइटी, एवरी स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी हैज़ देयर ओन प्रॉब्लम्स, चल रहा है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, बट आई फील के they are still better equipped to handle life than girls from urban societies. The more richer they get, the worst position they are in. ऐसा क्यों सोचते हो आप? So that is a different story के बड़े business families ले लेना आप. So the problem with them is they're just getting the lifestyle. They don't have control and right over anything else. Basically, take a huge family with, you know, one member of the family who heads it. Usually a patriarchal family. Matlab, the man of the house, the father or the grandfather who has, you know, built the whole business. Even the sons don't have any right. Most of them are on salary basis. कि उनको बिजनेस से सैलरी मिलता है, उनको जो कहा जाता है सुनना पड़ता है. ऑल यू गेट इज दैट लाइफस्टाइल कि आपको बड़ा घर मिलेगा रहने के लिए, अच्छा गाड़ी मिलेगा घूमने के लिए, यू कैन गो हियर एंड देयर, बट एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल ऑफ दैट पर्सन ऑन टॉप. एंड स्पेशली इफ यूर अ गर्ल हु इज मैरिड इन टू सच अ फैमिली, देन इफ़ यू ऑल्सो बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली एंड यू नो हाउ थिंग्स वर्क, इट्स गुड फॉर यू. अगर नहीं तो इट इज़ अ स्ट्रगल. And they don't have the rights to actually go out, say anything, do anything by themselves. Financial power नहीं होता है उनके पास. In fact, I had made a reel once, which went a little viral, कि something like this, कि how just what we discussed, right? You know, so most people go for that, you know, riches and the name of the father, या घर पे जाते हैं, cars पे जाते हैं, and that is the worst decision you can make for your life. तो उसमें कमेंट्स देखना चाहिए. लाइक द कमेंट्स ऑफ विमेन आर लाइक, आई विश आई हैड सीन दिस रील अर्लियर. नंबर वन रीज़न इज सोशल मीडिया आज की डेट में, जहाँ पे व्हेनेवर वी सी इंस्टाग्राम, वी सी वेज ऑफ सेलिब्रेशन कि अगर एनिवर्सरी है तो ऐसी होनी चाहिए, अगर वेकेशन है तो ऐसी होनी चाहिए. सो हो क्या रहा है, वी हैव डेटा सेट्स ऑफ ऑल गुड थिंग्स. कोई भी कपल अपनी लड़ाई झगड़े नहीं डालेगा इंस्टाग्राम पे. तो एज अ हस्बैंड आई विल सी कि यार अच्छा इसकी वाइफ तो ऐसे, मतलब उसके लिए कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है. सो एक्सपेक्टेशंस हैव बीन सेट टू अ लेवल विच इज़ नॉट रियलिस्टिक, बिकॉज एज अ कपल आई वुड हैव दोज वेरिएशंस, अप्स एंड डाउन्स एंड हिकअप्स जो मुझे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. तो आई एम लिविंग इन अ वेरी फैंसी वर्ल्ड विद सोशल मीडिया. सेकेंड रीज़न आई फील दैट द कपल्स और द पार्टनर्स आर सो मच इन्वॉल्व विद देयर वर्क कि उनको समय नहीं मिलता है एक दूसरे से ले बात करने का. एज यू मैंशन अबाउट द इमोशनल मेच्योरिटी एज वेल, कि लोग अगर बैठ के बात कर सकें, समझ सकें कि व्हाट द पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, तो वो गैप वाइडन नहीं होगा जो कि होता चला जाता है बिकॉज दे डोंट टॉक अबाउट इट. अच्छा हाँ, येस, कम्युनिकेशन इज ऑफ कोर्स द मेजर इशू वाई मैरिजेस फेल. येस, वही ना, नोबडी वांट्स टू टेक दैट ट्रबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. जब कोई भी आते हैं मेरे पास, आई एम लाइक, वाई डोंट यू टॉक टू योर हस्बैंड, यू नो दिस इज़ नॉट. समटाइम्स आई टेक ऑन द फॉर्म ऑफ अ काउंसलर कि आई फील मोस्ट पीपल डोंट इवन नो वॉट टू डू. कुछ प्रॉब्लम है तो दे डोंट नो वॉट टू डू, देन दे सीक सम काइंड ऑफ गाइडेंस. तो मैं वो लॉयर के साथ थोड़ा सा काउंसलिंग भी कर लेती हूँ बिकॉज सम इश्यूज आई फील आर नॉट लीगल इन नेचर. लाइक नॉट एवरी फाइट रिक्वायर्स अ डिवोर्स, नॉट एवरी इशू इज a reason for a divorce. आपको law बोल सकते कि this is mental cruelty. तो ऐसा नहीं है कि हर छोटी चीज़ mental cruelty होता है. तो वो that सद्बुद्धि, what do you say, that self thing you should have कि this is not something. So nowadays people want to break up for every single reason. They feel that this is something I can't live with, I don't want to. तो कभी कभी I am that person who's like, listen, this is not a reason for a divorce. गिव इट सम टाइम, थोड़ा काउंसलिंग में चले जाओ, एक दूसरे से बात करो, कम्युनिकेट करो, फिर इट कैन बी सॉल्व्ड. आई वाज रीडिंग रिसर्च व्हिच से दैट इन द यूएस इज 50% जो डिवोर्स रेट्स हैं, जो कि इंडिया में सिर्फ 1% है. और हमें लगता है कि बिकॉज इंडिया में जो फीमेल्स हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता है सामाजिक तौर पे कि लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे. सो दे कंटिन्यू टू सर्व in that relationship, yeah. No matter how toxic it is, if something is going against you, आप क्या कर सकते हो, आप law की help कैसे ले सकते हो? See, काफ़ी चीज़ें in fact हमारे country में women के लिए बहुत सारे laws हैं. ठीक है, जैसे अगर आपके घर में you're facing abuse, डोमेस्टिक अब्यूज़। डोमेस्टिक अब्यूज़ इज़ नॉट जस्ट कि आपको मार रहे पीट रहे। हमारे जो वी हैव अ लॉ विच इज़ प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज़, तो इट रिकग्नाइजेस अब्यूज़ एज इमोशनल, वर्बल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और फिज़िकल एंड सेक्शुअल। ठीक है, तो किसी की लाइक यूल बी सरप्राइज के किसी के घर में पैसे नहीं देते बीवी को। ठीक है, अगर देते हैं दे गिव 100 रुपीज़, तो हर पैसे का यू हैव टू गिव हिसाब के मैंने 2 रुपीज़ यहाँ पे खर्च किया, 5 रुपये यहाँ पे खर्च किया। सो यू नो पैसे हिसाब लेना या पैसे नहीं देना, हर पैसे के लिए यू हैव टू बेग फॉर मनी, सो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल अब्यूज़। अगर आपको घर में बाकी लोगों के तरह नहीं रख रहे हैं, यू आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, दैट इज़ इकोनॉमिक अब्यूज़। या आपके प्रॉपर्टी को गलत मतलब प्रेशर डाल के साइन करवा दिया, आपकी ज्वेलरी ले लिया, आपकी ज्वेलरी वापस नहीं किया, यू नो दोस आर ऑल फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अब्यूज़, इकोनॉमिक अब्यूज़। सो दीज आर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड बाय लॉ। एंड जो हम बोलते हैं सेक्शुअल अब्यूज़ इन अ मैरिज, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी प्रेवलेंट। हमारे कंट्री में मैरिटल रेप इज़ नॉट लीगल, बट अगर घर पे यू आर सफरिंग, अ वुमन इज़ सफरिंग एट होम, शी इज़ बीन सेक्शुअली अब्यूज बाय योर ओन हस्बैंड, शी हैज़ राइट टू फाइल अ डोमेस्टिक वायलेंस केस फॉर सेक्शुअल अब्यूज़। तो दीज आर सम ऑफ द राइट्स यू हैव। एंड इफ़ यू फाइलिंग अ डोमेस्टिक वायलेंस केस, नॉट नेसेसरली कि आपको डिवोर्स लेना ही लेना है, आप ये अलग से फाइल कर सकते हो। दिस गोज टू द मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, एंड अ डिवोर्स गोज टू अ फैमिली कोर्ट। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो अगर किसी को होता है कि मुझे शादी मतलब टूटना नहीं है, बट यू स्टिल वांट सर्टेन राइट्स, तो फिर उस केसेस में यू कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ डोमेस्टिक वायलेंस केस। तो डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ, क्योंकि उसमें हस्बैंड विल नॉट गो टू जेल। अच्छा, उसमें क्या है, यू गेट मेंटेनेंस, कॉम्पनसेशन फॉर योर लॉस, सेफ प्लेस टू स्टे। से फॉर एग्जांपल कि आपको घर से निकाल दिया जा रहा है, सो अ वुमन, जैसे हमने पहले बात किया था, वी सेड दैट वुमन हैज़ नो राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, बट वुमन हैज़ राइट टू स्टे इन हर हस्बैंड्स हाउस, व्हाटसोएवर इट माइट बी। यू कांट चेज अ वुमन आउट ऑफ हर मैरिटल होम, तो दैट इज़ कॉल्ड राइट टू स्टे इन हर मैरिटल होम, जो दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स। सो अगर आपको घर से निकाल दिया जा रहा है या यू नॉट फीलिंग सेफ इन योर ओन मैरिटल होम, यू कैन फाइल अ केस एंड आस्क फॉर अ सेफ प्लेस टू स्टे। तो अगर आपको कोई अब्यूज़ कर रहे हैं घर पे, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर हस्बैंड, इट कैन बी फादर इन लॉ, ब्रदर, फादर, एनी मेल मेम्बर इन द हाउस होल्ड। ओन फादर्स भी अब्यूज़ करते, तो in such cases also you can ask for a safe place to stay where abuser has to provide a safe place। तो कोर्ट देखते हैं उनके फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से, घर रेंट पे दे दो, अपने घर के एक कमरे जहाँ पर कोई आसपास नहीं जाएंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फैमिली, बट दिस लॉ इज़ फॉर दैट। एक और लॉ विच इज़ देयर इज़ इट्स कॉल्ड सेक्शन 125 CRPC। So basically, if you are thrown out of your house, if you this is applicable to women and children, and also elderly people. अगर आपको घर से भगाया जाता है, you're a destitute, मतलब you have nowhere to go, then you can file for a 125 CRPC maintenance order. So it's a civil order, with civil case that you need to file, saying कि मेरे पास I don't have ways to maintain myself and I've been thrown out of the house. ठीक है, so this is a law that even children can use, जिसके fathers भगा देते हैं घर से के घर से निकल जाओ मेरी, and you know they want to finish their studies but fathers are not maintaining them, they can file a 125 CRPC। Wife has been sent out of the house, she has no means, बच्चों को स्कूल फीस देने के लिए पैसे नहीं है, she can file a 125 CRPC। So these are laws which is available to you without going for a divorce। वो अलग है, डिवोर्स के साथ भी आपको एलिमनी, मेंटेनेंस, वो कम्प्लीटली अलग लॉ है। एंड डिवोर्स इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन योर रिलीजन, वील कम टू दैट लेटर, विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट विदाउट गोइंग फॉर अ डिवोर्स ऑल्सो, इफ़ यू स्टिल फील कि मुझे शादी में रहना है पर मुझे ये सब भी चाहिए, देन यू हैव दिस। आपने बात करी अबाउट द अब्यूज मे बी बाय द मेल मेंबर्स इन द फैमिली. हाउ अबाउट द मदर इन लॉ जो कि बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करती हैं इंडियन डॉटर इन लॉ को, जो सास बहू की जो कहानियाँ हैं, अगर मदर इन लॉ ही ऐसी निकले कि बहू बेचारी लाइक रह ना पाए, बहू क्या करे? कैन शी फाइल अ केस अगेंस्ट लाइक मदर इन लॉ? She can. There have been few judgments where you know this act has been extended to women abusers also. ठीक है, but the victim has to be a woman or a child. It can't be a male. But the abuser can be a woman. Like in your case, you said mother-in-law. But mine is fine. Yeah. Touch wood. Touch wood. So yeah, so you know that option is available, but file नहीं करते, बहुत ही कम करते हैं ऐसे केसेस में. आपने पॉइंट कहा था कि अगर वुमेन का जो गोल्ड है या वो चीज़ें का उनसे एक लिखवा दी गई स्त्री धन वो जो उनको मिलता है शादी के टाइम पे, नाउ रियलाइज की इम्पोर्टेंस क्या है कि जब भी शादी होती है तो लोग कहते हैं कि फ़ोटो खिंचवाइए. तो जो भी कुछ कोई गोल्ड देता है या नेकलेस देता है या सगाई होती है तो लोग भर के फोटोज. एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि इतना शो ऑफ क्यों करना है, मतलब क्या दिखा रहे हो? एंड नाउ आई लर्न कि दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर कल की डेट में अगर कुछ हो जाता है तो वो फोटोग्राफ्स काम आ जाएंगी. ऐसा कुछ है? यस. सो अगेन स्त्री धन इज़ अ वेरी कन्फ्यूज टॉपिक. सो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही आता है, फाइनेंशियल अब्यूज़ में आता है. यू हैव राइट टू योर प्रॉपर्टी. So the law says, so Sridhan is a concept that only Hindus have. Christians and Muslims don't have the concept of Sridhan. तो हमारे हिंदू law में बोलते हैं कि जो भी gold देते हैं, जैसे we were saying that you know instead of giving dowry, why don't you give that money to the daughter? So actually gold is a sort of an investment for the daughter. Right? So you give so many lakhs of gold to the daughter, that is her asset. So the law says that you cannot misappropriate her assets. Her assets are hers alone. तो जो भी शादी में देते हैं, child birth में देते हैं, anything the in-laws have given, gifts they've given, property, assets, or simple things like you know vessels, fridge, furniture, all this is a stridhan. So she has right to all of this, and if she is not able to get her Sridhan back or they've been misappropriated by anybody, then she can file a case in the court. Now, of course, you can file a case in the court, but how will you prove कि ये मेरी gold है? तो उसके लिए there have been so many cases where in-laws say कि नहीं है हमारे पास, दिया ही नहीं है. तो हाउ विल यू प्रूव कि हमने दिया है? तो देन यू हैव टू शो बिल्स, यू हैव टू शो फोटोग्राफ्स कि मेरे पापा ने ये ख़रीदा है. यू नो दैट इज़ हाउ यू प्रूव इन द कोर्ट. सो फॉर सच थिंग्स अनफॉर्चुनेटली हैप्पी मेमोरीज के टाइम पे ये सब भी करना पड़ता है, जहाँ पर यू नो यू क्लिक फोटोग्राफ्स और यू कीप ऑल दीज बिल्स फॉर श्रीधन. आई ऑलवेज टेल पीपल दैट इफ़ यू हैव गोल्ड प्लीज़ कीप इट योर सेल्फ. आई फील अब से लाइक शादी के टाइम पे ना जो बिल हैं वो भी शो करने चाहिए हमें. भैया जी स्माइल, फोकस फोकस फोकस. ये ज़रूरी है अगर हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जो कि प्रॉमिसिंग है. Nobody enters into relationship which is gonna be dark. Obviously, nobody enters. Things go haywire. You never know. I've seen some cases where after certain years of marriage, या even after few months of marriage, चीज़ अगर वर्क नहीं करी, so दे से कि अच्छा हमने क्या दिया आपको, वापस कर दीजिए. और आप यू नो द इंटरचेंज, सपोज जो लड़की की तरफ से क्या दिया गया एंड वाइस वर्सा, दे से कि हमें वापस कर दीजिए. अच्छा वापस कर देना. तो वहाँ तो जो स्त्री धन था वो तो वापस चला गया ना, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ अप टू यू. रजामंदी है. हाँ, इफ़ यू आर एग्रीइंग कि जो आपने दिया मैं वापस कर दूंगी, जो मैंने दिया है वापस कर दो, दैट्स अ कॉन्सेंशुअल एग्रीमेंट दैट टू पीपल हैव एंटर्ड इनटू. तो वो ठीक है. अगर आपको वो ठीक नहीं लगता देना, आपको लगता है कि नहीं मेरे आपने भी जो दिया है वो मेरी ही है, तो दैट इज़ करेक्ट. एज़ पर लॉ वो लेडी का ही है ना. और जो आपने हस्बैंड को गिफ्ट किया है वो उसका ही है, आप नहीं ले सकते वापस उसको. कि मेरे फादर ने, कोई लेडीज़ बोलते हैं कि मेरे फादर ने कार दिया है उसको, मेरे फादर ने उसको गोल्ड दिया है, मुझे वापस चाहिए. नहीं मिलेगा. दैट इज़ हिज गिफ्ट, That is a gift you given to your husband. You will not get it back. Similarly, gifts given to you is your wealth, your assets. You will not have to give it back to them. But जो आपने बोला, that's consensual. I remember एक family है, बड़ा बेटा, छोटी बेटी. बड़ा बेटा की शादी हुई तो as a result स्त्री धन आया. एंड जो मदर इन लॉ है उन्होंने अपने पास रख लिया कि मेरी बेटी की शादी होगी, I'll give it to her. So it's like यहाँ से लिया and यहाँ से दे दिया. Oh yeah, so I've heard of that. I've seen that. ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं. तो यहाँ पर भी if the daughter-in-law has to say कि नहीं, जो मेरा स्त्री धन था वो चला गया, तो सिर्फ फोटोग्राफ्स के जरिए ही प्रूफ हो सकता है if she wants to contest. Yes. Any case in future. ठीक है. आपने बात करी थी about consent. जो मैरिटल रेप है वो पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है मैरिटल रेप फॉर ऑल दोज इनको कुछ आइडिया नहीं है. तो फर्स्टली मैरिटल रेप करके कॉन्सेप्ट नहीं है लीगली, मतलब लीगल या इलीगल करके कुछ है ही नहीं. ठीक है, इट्स नॉट, देयर इज नो लेजिस्लेशन व्हिच टॉक्स अबाउट मैरिटल रेप एज सच, पर होता है. सो देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ टॉक इन द पास्ट कि मैरिटल रेप को क्राइम बनाना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज़ हाउ डू यू प्रूव इट. लाइक जो दो लोगों के बीच बेडरूम में होता है, हाउ डू यू प्रूव इट. सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, द पीपल हु आर अगेंस्ट मेकिंग इट अ क्राइम, उनका ये थ्योरी है कि आप कैसे प्रूव करोगे. इट कैन बी मिसयूज्ड, इट कैन बी मेजरली मिसयूज्ड बाय वेमेन, यू नो, मैरिटल रेप. And the second part of it is जो कंसेंट के हम बात कर रहे हैं. सो द लॉ सेज दैट जो भी रेप के जो लॉज होते हैं उसमें बोलते हैं कि अगर शादी हो गए है दोनों की तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट देयर इज़ कंसेंट. सो दैट इज़ द सेक्शन विच सेज कि मैरिटल रेप इज़ अलाउड, है ना. अगर आप रेप के लॉस बता रहे हो और उसमें एक क्लॉज है कि अगर आप की शादी हो गई है तो कंसेंट इज़ अंडरस्टूड, कि हस्बैंड डजंट हैव टू कीप आस्किंग हिज वाइफ कंसेंट एवरी टाइम दे हैव सेक्स. दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट. बट दैट ऑल्सो मीन्स दैट इफ द वाइफ डजंट वॉन्ट टू हैव सेक्स, हस्बैंड कैन फोर्स हिमसेल्फ ऑन हर. सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप. अभी like I said, there is no law making it illegal, there is no law making it a crime. So women who are suffering don't have any option. The only option is to go under the Domestic Violence Act and file a case for sexual abuse, which again is, ऐसा नहीं है कि husband jail जाएगा, right? It is like we discussed, the Domestic Violence Act is a very different act which has, you know, मेंटेनेंस देते हैं, कॉम्पनसेशन देते हैं, सेफ प्लेस टू स्टे देते हैं, बट उसको सज़ा नहीं दिलाएंगे. सो इफ़ अ वुमन हैज़ एक्चुअली सफ़र्ड इन अ मैरिज, शी हैज़ बीन कंटिन्यूसली अब्यूज्ड सेक्शुअली इन अ मैरिज, शी हैज़ नो वे टू गो, शी हैज़ नो लॉ टू गो अंडर. आई रेड अ टर्म कॉल्ड एज लाइक स्टेल्थिंग. यस, जो कि अगर वाइल हैविंग सेक्स इफ़ यू रिमूव योर कॉन्डम, यस, which is again illegal, कि आपके लिए कंसेंट था that you will have safe sex, but then in that process the man removes the condom and the woman gets like pregnant. So वो भी एक against her will है. Yes, but that is again it's not a very clarity नहीं है इंडिया में stealthing के against. So there are lot of countries like Canada, UK, US में stealthing के against particular law है. इंडिया में नहीं है अभी, इंडिया में नहीं है. एंड रिसेंटली इनफैक्ट आई थिंक देयर वाज अ केस यूएस में, दिस एल्डरली मैन वाज स्टेल्थिंग एंड ही जस्ट ही वाज पुट बिहाइंड बार्स. रिसेंटली आया था अभी, आई थिंक यूके में हुआ था, 4 इयर्स का जेल मिला था उनको. हां, 4 और 7 का कुछ था ऐसे. बट इन इंडिया we don't have a particular law for stealthing. अभी a good lawyer can actually go make a case out of it, talking about consent, right? That consent was not given for unsafe sex, consent was given for safe sex. But then a good defense lawyer can also make a case कि consent तो दिया था, है ना. तो वो बहुत ही ग्रे एरिया है. अभी तक ऐसा कुछ पर्टिकुलर केस नहीं निकला है स्टेल्थिंग के बारे में. बट येस, अगर यू वॉन्ट टू you feel you have been cheated, you have had sex without consent, then you can go file a case if there was. मतलब ये बहुत common है, condom निकाल देना, condoms में holes बनाना, पहनते हैं but holes बनाते हैं, you know, these are all forms of stealthing. So that is actually a crime, but it is not a very well-defined crime in India yet. I feel इंडिया में अभी भी इस बारे में लोग बात नहीं करते हैं. एग्जैक्टली, हाउ हु इज गोइंग एंड फाइलिंग अ केस. अगर उनके साथ हो भी जाता है, अगर बीवी के साथ हो जाता है, हस्बैंड इज प्रॉमिसिंग यू प्रोटेक्टेड सेक्स के सिंपल टर्म्स, शी डजंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, राइट, शी सेज विल वेट फॉर 2 years or 3 years, हस्बैंड इज नॉट रेडी, सो ही डजंट यूज कॉन्डम्स आफ्टर प्रॉमिसिंग हर. और इवन अ वुमन कैन डू इट, राइट, शी रिफ्यूजेस टू टेक बर्थ कंट्रोल, शी सेज I'm taking birth control, but throws her pills away. That is also a form of stealthing only, right? So this is not as yet well defined in law. Solution क्या है in terms of bringing in more awareness? क्या कर सकते हैं as society? See, like I said, law is based on the society. अगर society में need दिख रहा है, तो law create होता है. इट्स नॉट दी अदर वे राउंड. ऐसा नहीं है कि लॉ क्रिएट होता है फिर सोसाइटी स्टार्ट्स यूटिलाइजिंग दीज लॉज. यूजुअली देर इज़ अ नीड इन द सोसाइटी फॉर दिस पर्टिकुलर लॉ, एंड देन वो मतलब प्रेशर से पीपल आर फाइलिंग PILs इन द कोर्ट के, यू नो, लेट्स दिस नीड्स टू बी कम आउट, दिस लॉ नीड्स टू बी लेजिस्लेटेड. फिर जाके डिस्कशन होता है, फिर जाके, यू नो, सिंपल एग्जाम्पल, वेन विशाखा केस हैपेंड, then the criminal laws got amended. That the Delhi the rape case that happened. For like everyone to understand, like a background. क्या केस है विशाखा का? So there was a Vishakha case, which rape case, which happened in Noida, Delhi this side, that where a girl was traveling in a bus with her boyfriend or friend, and she got raped by 3-4 men, and they were minors, some of them were minors. It was a very brutal rape case, so which really brought people of our country together. India Gate and all. India Gate mein, you know, they were people were doing protests, and so बहुत ही उसमें there was a lot of बहुत डिस्कशन था, बहुत एंगर था लोगों में. तो वो केस जाके इट बिकेम अ लैंडमार्क जजमेंट, जिसने क्रिमिनल लॉज को चेंज किया. बहुत सारे प्रोसीजरल चेंजेस बहुत सारे आए हैं उस केस से. तो वैसे ना, मतलब नीड के हिसाब से हमारे कंट्री में लॉस भी चेंज होते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अभी समबडी फील्स कि हाँ, आई वाज अ विक्टिम ऑफ स्टेल्थिंग, she does something about it, he does something about it, he goes to the police, he goes to the court. फिर courts are forced to discuss it. Once the court वहाँ तक तो पहुँचना चाहिए. अभी people are not aware that this is wrong. There are very few people, like मैंने कभी एक साल में कभी वीडियो बना लिया. It is not commonly spoken about कि आप फ्रेंड सर्कल में बैठ के स्टेल्थिंग के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो. That is, awareness is a big. Even marital rape, aware people don't know that it is wrong. कि उनको लगता है कि हस्बैंड कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक ही होगा, मतलब आई डोंट लाइक इट बट हु विल आई गो से एनीथिंग. मैं किससे बात करूँगी, किससे बात करूँ, अगर मम्मा को बोलूँगी तो बोलेंगे कि यार एडजस्ट कर लो, ये तो होता है. सो यू नो, दोस आर द प्रॉब्लम्स विद दीज लॉस, दे आर नॉट ईजिली डिस्कस्ड इन आवर कंट्री के उसमें कुछ हो भी जाए. एंड द सेम अप्लाइज फॉर रिलेशनशिप्स विच आर आउटसाइड द मैरिज. Suppose you're just like dating someone and you are having sex, which is out of like consent, but then suppose कल चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो anyone, like majorly the girl can accuse the guy कि भाई it was like forced or he raped me. तो उसमें how does he prove? अगर आप एक relationship में थे, you were actively sexually, तो वो भी it is against the guy. Yes, that is also a common issue these days, where especially when, you know, cases where couple are going around and then the boy says, I don't want to get married to you. So the girl is desperate, angry, frustrated. तो वो anger किसी के negative में जाता है. So then they want to file a fake case. I've heard so many of these. I've heard so many girls call me and ask me कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया, my boyfriend is cheating on me, can I file a rape case? आई सेड किस हक से आप रेप केस फाइल कर, डिड यू कंसेंट व्हेन यू हैड सेक्स? हाँ मैम, बट उसने प्रॉमिस किया था मैरिज. आई सेड सो नाउ दैट इज़ वेरी कॉमनली नोन कि फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी. अगर आपने आपने किसी के साथ सेक्स किया है विथ ओनली अ प्रॉमिस टू मैरी कि मैं आपसे शादी करूँगी, उसके बेसिस पे लड़की ने आपके साथ शी इज़ हैड सेक्स विथ यू, ठीक है, दैट कंसेंट जो उसने दिया है, लड़की ने जो कंसेंट दिया है, वो कंसेंट इज़ बेस्ड ओनली ऑन द प्रॉमिस टू मैरी. दैट इज कंसेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कंसेंट एट ऑल. तो दैट बिकम्स अ रेप केस. But then how do you prove it? Yeah, that is another ball game. Proving वाला जो ball game है वो अलग ही ball game है. But the thing is कि अगर it's a very fine line. अगर मैंने 5 साल किसी को date किया है, in my 3rd year I've started having sex with him. Okay? क्योंकि आपको लगता है कि उससे तो शादी करना ही है types. ठीक है, but लड़के को था ही नहीं शादी करना है. So after 4th year or 5th year, he's broken up. Now the girl is like, I had sex with you on the promise to marry. But आपने 2 साल, मतलब you've been dating him, you have been going out with him, you've been sleeping with him. तो that is a very difficult area to navigate. तो ये लड़कियों को भी there is a very good chance to go file a case. तो we give out advice that you know, कभी भी unless you're 100% sure, don't give a promise to marry. इवन एज अ कि प्यार में नहीं बोलते लड़के के हाँ हाँ स्वीटू हम शादी करेंगे, नेवर नेवर. चांद तोड़ लाऊंगा, तारा तोड़ लाऊंगा, अनलेस यू आर रियली 100% श्योर. तो दीज केसेस हैव गॉन टू कोर्ट्स एंड कोर्ट्स हैव गिवन वेरीड जजमेंट्स. कोई केसेस में हैज हेल्ड दैट इट इज़ अ केस ऑफ रेप. So it is purely on what is proved, circumstances क्या है वहाँ पे. If in many cases आजकल they've held that women are smart, educated and aware enough to know the decision they are taking. तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर केस में 27-28 year old बंदी को फॉल्स प्रॉमिस में यू आर हैविंग सेक्स. यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ योर बॉडी, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द डिसीजन यू आर टेकिंग फॉर योर बॉडी. तो दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी. सो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस, द एज ऑफ द गर्ल, द हाउ द वुमन इज, अगर यू आर एजुकेटेड, यू आर वर्किंग समवेयर, यू आर अर्निंग योर ओन मनी, यू आर quite aware of the world, you can't say that I didn't know, I just had sex because of this. True. So true. Out here we can outrightly say कि अरे the guy said कि ऐसा होगा but फिर ऐसा नहीं हुआ. लेकिन अगर आप इतने mature हो, so you know it, what may happen. And again, if someone has so-called like promised, काफ़ी लोग बोलेंगे कि ideally you should not have sex before marriage. That's one school of thought. That is another school of thought. You can't even get into that. Right. So अगर आपने ये choose किया है अपने लिए because you felt good in that moment, yes, that was your call. If after that, अगर देखा जाए शादी होने के बाद भी लोग अपने रास्ते अलग कर लेते हैं ना. I've seen that youngsters जब प्यार में होते हैं तो everything looks pink and red. And उस प्यार में they would share their nudes when asked. And then when things don't work out, it's blackmailing. तो क्या आपका सुझाव है as a lawyer to all the youngsters, especially females? Like मेरा सुझाव ये है कि मैं boomer aunty बन जाऊँ और बोलूँ कि please don't share nudes. But I know life is not like that. See, हम बोल सकते हैं कि वी कैन बी वेरी मॉडर्न, वी कैन बी वेरी यू नो, वी कैन हैव वेरी फेमिनिस्ट व्यूज एंड से विक्टिम को ब्लेम नहीं करना चाहिए. जो एग्रेसर है, जो अब्यूज़र है, उसको बताना चाहिए, उसको एडवाइस करना चाहिए. बट आई एम नॉट विक्टिम ब्लेमिंग, आई एम जस्ट विक्टिम प्रोटेक्टिंग कि है आपको अपना टेक केयर करना चाहिए. इट्स एज सिंपल एज दैट. आई एम नॉट सेइंग डोंट हैव सेक्स, डोंट have you know sex talks with your partner, but avoid making videos, avoid taking videos, photographs, sharing such photographs. पर अगर आपको करना ही है, मतलब करना ही है, तो अपने face मत दिखाओ. Avoid taking your tattoos, any birthmarks that can identify as you. So that's the simplest form of advice, secondary advice I can give somebody. Primary is, yeah, don't do it. It's not worth it. People have lost their lives over it. Yeah. So girls, I know girls who have been forced to have sex with a lot of other people because she's being blackmailed. Forced to have sex with a boyfriend whom she broke up with for many months because of this threatening or blackmail. And it can go to any extent. They can make you do anything. So at some point of time, you have to understand that this is going to continue. It's not going to stop. Yeah. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कुछ सुन लिया उसके बाद तो वो बंद कर देगा, है ना. तो वो आपको सेल्फ अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दिस इज गोइंग टू पुट मी इन मोर ट्रबल. हाउएवर मच, व्हाटएवर करेज इट टेक्स यू, टेक दैट करेज, स्पीक अबाउट इट विद अ फ्रेंड, स्पीक अबाउट इट विद अ फैमिली मेम्बर. एंड आपको उसी में एक को पता चल गया ना, फिर आप थोड़ा सा, यू नो, इट इज़, you are in a better space. So that is one thing I would tell people, for don't take nudes. There are a lot of laws that come into place कि आप action ले सकते हो. So a lot of people don't know this, but threatening someone or blackmailing someone is a crime. Forget the nudes, but even just saying that मैं हमारे picture लेके मैं ये कर दूँगा, that itself is a form of crime. It's called criminal intimidation. What? Come again? Criminal intimidation. Okay. ठीक है. तो अगर आपको कोई थ्रेटन करे, कोई ब्लैकमेल करे कि ये भी करते हैं, गर्ल्स ऑल्सो डू दैट. दिस इज़ अ जेंडर न्यूट्रल लॉ. इट्स नॉट ओनली फॉर वीमेन, इवन मैन कैन यूज़ दिस लॉ. तो जैसे गर्ल्स बोलते कि मैं सुसाइड कर लूँगी अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर, मैं हाथ काट दूँगी. हाँ, देखते हैं मूवीज़ में. एग्जैक्टली. हाँ, वो कॉमन है इंडिया में बहुत. इवन बॉयज़ डू दिस. या मैं तुम्हारी शादी में आके आई विल, यू नो, हर्ट दैट बॉय. सिंपल थिंग्स लाइक दैट. सो दैट ऑल्सो इज़ अ फॉर्म ऑफ crime. So that one option is you go to the police, you file a case. Maybe you can take it back later, but at least you are taking some step to make that person stop. So that is one thing. And even if your nudes have been shared online, ठीक है, आपको पता चल गया है या आपको feeling है, जैसे for example somebody is threatening you कि मैं तुम्हारे न्यूज़ शेयर कर दूंगी ऑनलाइन, तो देन यू कैन डू अ रिवर्स इमेज सर्च ऑन गूगल. ठीक है, जो गूगल इमेजेस होते हैं, आप आपका नॉर्मल फोटोग्राफ डालना, न्यूड मत डालना. वो भी कर लेते हैं कोई, न्यूड मत डालना, नॉर्मल फोटोग्राफ डालो, रिवर्स इमेज सर्च करो. तो इट विल शो यू वेयर ऑल योर फोटो हैज़ बिन अपलोडेड. अगर कोई इंडियन साइट्स है, ठीक है, तो वन इज़ ऑफ कोर्स यू गो टू द साइबर क्राइम पुलिस एंड यू फाइल अ केस, बट फास्टर वुड बी इफ़ यू ऑल्सो गो टू अ एडवोकेट एंड सेंड अ लीगल नोटिस कि आप वो ऑर्गेनाइजेशन को लीगल नोटिस भेजो कि आपके इसमें अपलोडेड हुआ है एंड वी वॉन्ट इट टेकन डाउन बिकॉज इट्स बिन अपलोडेड विदाउट माई कंसेंट. ठीक है, तो दैट इज़ वन ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज़ पेजेस लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, their copyright laws are based on US laws. So they have something called the DMCA form. जैसे for example आपके somebody's nudes is uploaded on Instagram, Google DMCA Instagram, एक form आता है, fill that form up. That is basically a copyright takedown form कि मैंने consent नहीं दिया मेरे photographs upload होने में, I want it taken down. So that is something you can do quickly. बिकॉज इंटरनेट क्या है, 2 मिनट में स्प्रेड हो जाता है चीज़ें. तो एज क्विकर यू कैन रिएक्ट, दैट इज़ बेटर फॉर यू बिकॉज पुलिस अनफॉर्चुनेटली डजेंट रिएक्ट दैट क्विकली. सो दीज आर फ्यू स्टेप्स यू कैन टेक. इंडियन पेजेस यू कैन, इफ इट्स अ पॉर्न साइट, है ना, दे डोंट हैव, सम ऑफ देम हैव DMCA फॉर्म्स इफ यू आर, इफ US बेस्ड. Indian ones maybe not. So you know you can send a legal notice and take it down. So these are some steps, but 100% you should go to the police because that person should not be allowed to do it to somebody else. So true, so true. It makes so much of sense that when you are giving the consent or you're like sharing it with your partner in the hope कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, you need to be aware कि 1% chance तो है ही कि कुछ गलत हो सकता है. So be prepared. Yeah. So for example that person doesn't want to share. Yeah. He's a good person. मान लेना कि अच्छा बंदा है. He lost his phone. Yeah. Anybody else has got access to it. It's gone. somebody has hacked into his phone. So you know, it is a chance you take. It's like a bet. So why take it? Why take that tension? आज की डेट में as couples when you're dating each other, सोसाइटी में अगर आप कहीं रहने जाते हैं आपको जगह नहीं मिलती है because like a live-in relationship. Okay. तो उसमें क्या लॉज हैं कि अलाउड उनको रहना या फिर अलाउड नहीं है, क्या एग्जैक्टली? सो वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर लॉ फॉर लिव इन रिलेशनशिप्स. ऐसा कोई लेजिस्लेशन नहीं है. जैसे मैरिजेस आर लेजिस्लेटेड बाय पर्टिकुलर एक्ट्स, ऐसे लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट लेजिस्लेटेड. बट ओवर टाइम, ओवर ईयर्स, लॉट ऑफ कोर्ट्स हैव पास जजमेंट्स that has been favorable to live in relationships. So based on that we say live in relationships legal है इंडिया में. ठीक है, मतलब आप साथ में रह सकते हो. and over time ऐसे laws pass हुए कि some rights are given to live in relationships. जैसे डोमेस्टिक अब्यूज़, राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज़. अगर आप एक लेडी हो इन अ लिव इन रिलेशनशिप, आपके लिव इन रिलेशनशिप वाले पार्टनर अब्यूजेस यू, तो यू कैन गो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेम लाइक अ मैरिड वुमन. सेकेंड थिंग इज जो भी अगर बच्चे हो जाते हैं, दैट किड इज़ लेजिटिमेट किड. यस, सो एनी किड बॉर्न इन एनी रिलेशनशिप इन इंडिया, live in relationship, non live in, dating relationship, married relationship, the law says that a kid should not suffer the consequences of the adults. So the kid will always be a legitimate kid. So if you are a man and you say ke I am not consenting to you having the kid, it doesn't matter. If the woman has chosen to have the kid, you are the biological father and he is or she is your legitimate child. So that is something very big that's given in by law to children. And tomorrow, both the kids, the guy and the girl, can marry and have a life of their own, or they have to stay together. No, that is entirely up to them. Because they are not married. Legally. They are not married. So that is one important right. एक है वो domestic abuse जो हमने बताया. Then is section 125 CRPC. अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो और आपको भगा दिया गया घर से, आपको कहीं, यू हैव नो वेयर टू गो, एंड देन यू कैन फाइल अ सेक्शन 125 CRPC. जो लिव इन रिलेशनशिप्स में भी द कोर्ट हैज़ गिवन मेंटेनेंस. तो नाउ दिस इज़ अगेन, ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने किसी के साथ लिव इन कर लिए आपको ये राइट्स मिलेगा. सो देर आर फ्यू कंडीशंस. द कोर्ट सेज द रिलेशनशिप शुड बी अकिन टू अ मैरिज. वो कैसे डिफाइन होगा? सो द कोर्ट विल सी कि आप कितने साल रह चुके हो साथ में, आपको सोसाइटी कैसे देख रहे हैं, कि आर दे लुकिंग एट यू लाइक अ कपल, आर यू बिहेविंग लाइक अ कपल विथ पीपल अराउंड यू, आपके रेंट एग्रीमेंट है साथ में. ऐसे नहीं कि यू नो आपने 1 साल रह लिया किसी लड़के के साथ और आपको मेंटेनेंस मिलेगा उसके बाद. So you know there has to be it has to be proved to the court that you've been in a long lasting relationship akin to a marriage. So it is again controversial. It can, like, it depends on how you can prove it to the court. We spoke about that marriages would fail because of certain reasons. Kafi log they go for extramarital affairs. Jisme they would be like seeing someone after the marriage, and when you have a doubt you'll check out their WhatsApp messages or call recordings or even have a detective after their life. So ये कितना legal है कि किसी के फ़ोन में सब check करना? Again a very grey area. If I purely talk legally, some courts, now it depends on which court you're going to. ऐसा क्यों है कि विच कोर्ट, मतलब लॉ इज द सेम फॉर एवरीवन, इजंट? नो नो, फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ क्रिमिनल केस, द वैल्यू ऑफ एविडेंस दैट यू नीड टू गिव इन अ क्रिमिनल केस इज़ वेरी हाई. आप कुछ भी सबमिट नहीं कर सकते बिकॉज उसको सज़ा होता है 6-7 साल का, 14 ईयर्स का. सो द एविडेंस हैज़ टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड जाना चाहिए. एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट. बट अगर आप फैमिली कोर्ट जा रहे हो तो आप व्हाट्सएप चैट भी दिखा दो. Some courts will say okay, will accept it. वैसे ही एविडेंस जो आप बोल रहे हो कि मैंने you put a spyware in your husband's or wife's phone के या कार में कुछ डाल दिया spyware के follow करने के GPS में. So some courts have held that this evidence has been got by illegal means. आपने किसी के privacy को breach करके आपने evidence लाया है. This evidence is not admissible in the court. But she or he had no option. Yes, but doesn't matter. But there are a lot of courts in our country which will take it. तो वो है family courts में, especially divorce cases में and all that. It entirely depends upon the judge who's sitting there. He might accept these evidences or he might not. So I always say, अगर आपको option है तो कर लो. नहीं accept करेंगे तो छोड़ दो, but accept करेंगे तो then at least you have something to prove, something to support your case. Yeah. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. अच्छा ये बताओ जो विमेन है समवन गेट्स प्रेग्नेंट उसके क्या राइट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू हर प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अबॉर्शन सो बोथ द थिंग्स टुगेदर. सो विमेन व्हेन इट कम्स टू प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द राइट्स आर गिवन टू यू इज फर्स्ट. Let's talk about everything that is there. One is when it comes to testing the gender of your child. I think most people know that in India you can't test the gender of your child. It's not allowed because पहले female infanticide होता था तो उसके हिसाब से. So nobody can force you to, you know, test the gender of your child. So that is one thing. Second thing, most of the rights for women who are pregnant are given in the Maternity Benefits Act. If you are working, then you have certain specific rights that your organization has to provide to you. Now the Maternity Benefits Act, unfortunately, is not really well, मतलब है companies ठीक से follow नहीं करते. जैसे? It's मतलब जैसे for example 20 weeks सॉरी जो 6 months का मेटर्निटी बेनिफिट मिलता है आपको कोई कोई कंपनी बोलते 3 महीने ही देंगे पेड. सो द होल आइडिया इज इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमन एंड यू हैव सर्व्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 80 days इन द ईयर प्रिसीडिंग योर प्रेगनेंसी तो फिर आपको 6 months का पेड लीव मिलेगा. कंपनी हैज़ टू गिव यू पेड लीव और ये जो फुल पेड लीव, ठीक है, ये जो लॉ है आपकी कंपनी नहीं बना रहा है, ये जो लॉ है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है. इट्स अ लेजिस्लेटेड स्टैट्यूटरी लॉ जो हर वुमन को मिलता है. अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, तो देन ऑल्सो यू विल गेट मैटर्निटी बेनिफिट्स 6 months. Yes, okay. But many companies don't give it. Many companies don't give it. तो क्या वो legal है? It is not. Now the thing is, अगर वो नहीं दे रहे तो as a woman who is pregnant, you have the right to go file a case in the labor court. आप labor commissioner के पास जाके complaint डाल सकते कि आपके organization आपको benefits नहीं दे रहा है. But कोई करते नहीं है. निकाल देंगे नौकरी से. हाँ, निकाल देंगे नौकरी से. यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और भी नहीं मिलेगा. तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस लेजिस्लेशन. देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर इट कि ऐसा नहीं है कि कोई देख रहा है कंपनीज में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. दैट इज़ नॉट हैपनिंग इन दिस कंट्री. इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. सो इट इज़ एंटायरली द ओनस इज अपॉन द पर्सन हु एवर इज रिफ्यूज दोज बेनिफिट्स टू गो टू कोर्ट. And if they're not going to court, then they're not getting it. So simple thing. So the maternity benefits are a beautiful act. कि वो पहली चीज़ है गिव्स 6 months का मेटर्निटी. यू आर नॉट अलाउड टू बी रिमूव फ्रॉम योर जॉब वेल यू आर प्रेगनेंट, ठीक है. अगर आपके प्रेगनेंसी में कुछ हो जाता है, कोई इलनेस आ जाता है, तो आप और भी 3 weeks का 6 weeks का लीव पेड लीव ले सकते हो इफ़ यू शो अ डॉक्टर सर्टिफिकेट. अगर आपको मिसकैरेज होता है फिर भी आपको पेड लीव मिल सकता है, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो. पहले चीज़ मिसकैरेज या अबॉर्शन, ये ओनली विलफुल अबॉर्शन के लिए नहीं है. मतलब अगर आप खुद से एक्सीडेंटल, यू नो, मिसकैरेज होता है फिर आपको लीव मिल सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द लॉज दैट वीमेन डोंट नो. एंड दीज 6 months हैव टू बी इन दैट 9 month पीरियड और आफ्टर द बेबी इज डिलीवर्ड? नो, यू कैन टेक इट बिफोर ऑल्सो. मतलब यू कैन टेक 1 month 1 month बिफोर एंड देन 5 months आफ्टर, जैसे आपको चाहिए. सो दैट इज अवेलेबल एज पर लॉ. देयर आर लाइक सम कंपनीज जहाँ पे कहते हैं कि अगर आप लाइक 3 months का लेते हो तो आपको फुल पे होगा एंड आफ्टर 3 months इतना परसेंटेज होगा. एब्सोल्युटली इलीगल, इट्स एब्सोल्युटली इलीगल. उनको देना ही देना, बट देते नहीं है. ऐसा भी एक सपोज कि फॉर 6 months द कंपनी सेज कि ठीक है 50% आपको पे करेंगे एंड आफ्टर 6 months मे बी लाइक फॉर 3 more months, ऐसा कुछ मतलब. बट आपके हिसाब से एज पर लॉ 6 months फुल पे इज योर राइट. इंटरेस्टिंग. मतलब देर आर कंपनीज विच प्रोवाइड हु ट्राई टू यू नो इतना देंगे उतना देंगे एक ही देंगे. इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू हैव एवरी राइट टू आस्क फॉर इट. एंड इफ दे आर नॉट गिविंग इट, आई वुड सजेस्ट यू दैट दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. सो इफ योर कंपनी इज़ नॉट गिविंग यू मैटर्निटी बेनिफिट्स, फर्स्ट स्टेप इज यू सेंड देम अ लीगल नोटिस कि मेरे राइट्स है एज पर द मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट टू गेट सो मेनी मंथ्स ऑफ फुल पेड लीव एंड आई वांट माय राइट्स. ठीक है, अगर सुनेंगे नहीं आपके बात, लेबर कमिश्नर होगा आपके सिटी में, गूगल कर लो, आपको गूगल बता देंगे कि आपकी सिटी का लेबर कमिश्नर कहाँ बैठते हैं. डोंट एक्सपेक्ट टू सेंड एन ईमेल एंड गेट वर्क डन. प्लीज़ walk up to the labor commissioner's office, give them an application कि my organization is not giving me my maternity benefits. So labor commissioner क्या करेंगे? He'll send a notice to the company. तो sometimes your issue is solved there only. अगर उसमें भी solve नहीं है, then of course you have the right to go to the court and file a suit for your benefits, asking for your benefits. I guess that's the reason when someone is hired for a certain role, उनसे पूछते हैं कि आर यू एक्सपेक्टिंग और नॉट, इज इट सो, आर यू प्रेग्नेंट और नॉट. यस, यूजुअली दे डोंट आस्क यू सो डायरेक्टली बिकॉज नॉट अलाउड टू. वही फॉर्म में लिखा हुआ होता है कि आपको चेक करना है. हाँ. ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, मतलब जनरली क्या है कि बोलते हैं कि यू नॉट अलाउड टू आस्क सच पर्सनल क्वेश्चंस. ऑल्दो इंडिया में करते हैं कि दे विल आस्क यू स्लाइटली कि शादी हो रहा है क्या, आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड विद इन द फ्यू दिस थिंग. सो वंस यू आर मैरिड दे विल try to get information from you because basically it's to discriminate against you. कि अगर उनके पास एक ऑप्शन है लेडी का जो शायद प्रेग्नेंट हो सकते हैं and there is an option of a man who will never take maternity benefits, तो why will you, it's a cost to the company. Unfortunately, as beautiful as a maternity benefit act is, it puts the onus on the company to give you the benefit. So then what happens, there is, it is a huge cost to the company and there are people who misuse it also. I know people who go join an organization when they know they are pregnant. Because you're getting that 6 months vacation, of paid leave, honeymoon period. So you know, matlab honeymoon period nahi bolungi, but pay to mil raha hai na aapko. So you know there are people who do that also. Matlab 3 महीने के बाद after joining in 3 months they want to go on, you know, few months they want to go on maternity leave. So then it is a loss to the company. So if you look at the other side of it, it is a cost to the company. I wish it was devised in a better way where itna load company mein nahi ho. See, for big organizations it's easy. Up if you see a huge organization, you will see that they don't have a problem giving maternity benefits, but smaller organizations, smaller companies, startups, इट्स अ ह्यूज कॉस्ट इफ दे हैव अ लॉट ऑफ वुमेन वर्किंग. मतलब हम एक ही साइड का देखते हैं कि द वुमेन शुड बी गिवन बेनिफिट्स, बट सम कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है. आई सी लॉट ऑफ पीपल गोइंग फॉर साइड हसल और मून लाइटिंग. तो वो कितना लीगल है, नोइंग दैट वी हैव अ डिजिटल वर्ल्ड जहाँ पे पीपल कैन वर्क विद देयर लैपटॉप एंड सिस्टम्स अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ रेगुलर 9 to 5 जॉब. सी, मून लाइटिंग एज अ टर्म हैज़ नॉट येट बीन लेजिस्लेटेड. ये अभी अभी आया है आफ्टर दैट नारायण मूर्तिज वो पूरा, एंड ऑब्वियसली आफ्टर कोविड. सो ऐसा नहीं है कि कोई लॉ बना है कि आप मूनलाइट नहीं कर सकते हो या कर सकते हो. ओके, बट द बेसिक लॉ इज़ यू हैव राइट टू वर्क वेर एवर यू वॉन्ट. दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट. You have a right to earn a living and work wherever you want. So going by that logic, I feel you can moonlight. But unless and until you have not signed up an agreement with the organization, you'll only have one job, not multiple jobs. No, even if I sign up with an organization, okay. I'll tell you why. It is my fundamental right is above everything else. इट्स माई पर्सनल राइट. ठीक है, अगर मुझे कंपनी ने फोर्स किया है टू साइन दैट आई कैन नॉट वर्क एनीवेयर एल्स, आई एम टेलिंग यू दैट आई कैन मेक अ केस फॉर माई सेल्फ कि even if I have signed something with an super organization, amazing lawyer folks. In case you get stuck, reach out to her. No, मतलब I feel that even if you have signed something, of course a contract is important, but we also have to understand the fact that all employment contracts are biased. They are biased towards the employer. आपका कोई सीन ही नहीं है वहाँ पर जहाँ पर आप बोलोगे कि नहीं मुझे ये क्लॉज ठीक नहीं लग रहा तो मुझे चेंज करना है. You are simply going and signing that contract because you want the job. तो first of all, most organizations मतलब all these contracts are one-sided contracts. तो अगर आपको केस बनाना है कि आपके लाइवलीहुड का सवाल है और आप वहाँ पर भी अच्छा काम करें और यहाँ पर साइड में करें तो how is it harmful? Now, only cases where the organization or the employer will have a good case is where your inputs into the company is not good enough. So it's a fair chance given to. I feel that employee ka bhi has a good case. Agar they want to moonlight and you know say the company has filed a case against them, then he has a good case to fight it and so does the company a good case to fight it depending upon the circumstances. But after that whole you know जो moonlighting का बातचीत हो रहा था, बहुत कंपनीज ने वो क्लॉज डाल दिया है, स्पेशली IT में. ऑल दीज बिग विप्रो, इन्फोसिस, दे हैव अ मूनलाइटिंग, एंटी मूनलाइटिंग क्लॉज, पर फिर भी करते हैं लोग. You spoke about livelihood as a term. If I'm doing it for livelihood, then it's legitimate. For example, someone is paid a decent sum of money for his expenses, for his livelihood, but he is doing it for the sake of his aspirations. So why not? Would be allowed, na? Yes. Would be legitimate. Yes. So right to freedom of expression, right to work where you want, right to move around the country. So these are some fundamental rights that you've been given. So that is above everything else. The Constitution provides right to you. It is above every other right. तो अगर आपको काम करना है और उसका कुछ हो नहीं रहा, his work is also getting done, then what is the problem? मुझे याद आ रहा है when I got placed from my college into an IT company. दो कंपनीज आई थी उस साल, दोनों लीडिंग IT giants, and एक कंपनी उनका नाम नहीं लूँगा मैं. उनका क्लॉज ये था कि अगर आपने उनकी ट्रेनिंग करने के बाद उनको ज्वाइन नहीं किया तो विल ब्लैक लिस्टेड and आपके against ये होगा, वो होगा, ये होगा. Yes, all these clauses are like that. They're against your own rights ना. आपको नहीं करना है काम वहाँ पे. How can they blacklist you? ठीक है, you take a certain sum of money. Yeah, as a compensation. Which is a compensation for the training that you have provided. Fair enough. The company has right to do that. But blacklisting you, threatening you कि हम आपको blacklist कर देंगे, threatening you के bond sign करवाना, all these bond, huh? Yeah, a lot of courts have held it to be illegal. So how does the entire bond thing work? Because any youngster after graduating would be given an option to sign a 1-year bond with the company कि you have to work. तो वो बॉन्ड की कितनी अहमियत है? वही सी बेसिकली द कोर्ट्स जजमेंट्स जो पास हुआ है, दे से देयर इज नो लॉ बट दिस इज बेस्ड ऑन जजमेंट्स दैट हैव पास्ड और कोर्ट जजमेंट्स दैट हैव कम आउट कि अगर आपने बॉन्ड साइन करवाया है, ठीक है, यू शुड गिव एन ऑप्शन टू द एम्प्लॉयी टू पे ऑफ द बॉन्ड. मेनी केसेस द कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट बॉन्ड्स आर इलीगल. आप बॉन्ड तो करवा ही नहीं सकते. हाँ, अगर आपने ट्रेनिंग दिया है उसको, इसके लिए आपने बॉन्ड करवाया है तो आप ट्रेनिंग का पैसे ले लो. इट्स कॉल्ड द बॉन्ड पे आउट. बट वही इतना ज्यादा होता है कि द पर्सन फील्स कि ठीक है, आई विल कंटिन्यू टू सर्व. दैट्स यू कैन हैव इट बोथ वेज. मतलब आपको तो अगर आपको कुछ और चाहिए तो आपको कुछ गिव अप भी करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई आई कीप टेलिंग यंगस्टर्स स्पेशली दैट आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो. जब जॉब ऑफर मिलता है अपना कॉन्ट्रैक्ट बैठ के पढ़ो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर साइनिंग. सम पीपल डोंट इवन नो देव साइंड अ बॉन्ड. बट दे वुड से कि मैम ऐसा ही ऑप्शन हमारे पास. इट इज लाइक समथिंग लाइक आई हैव टू यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनी वेबसाइट, बट सो आई विल एग्री द प्राइस. एग्री उसमें क्या लिखा है, नोबडी इवन लाइक रीड्स. नो बट देन सी फॉर एग्जाम्पल इफ आपको श्योर हो कि आपको फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना है. Exactly. So then why would you take up a job which is offering you a bond, which is giving you a bond? So sometimes you have to be you have to understand what you're signing and sign it. Because now you know you're signing the bond, you will have trouble getting out of it. Yes, you have a right. पर जब तक आप कोर्ट जाओगे, आप केस फाइल करोगे, फिर आपको एम्प्लॉयमेंट का आपका पेपर्स मिलेगा, उसमें तो आपका टाइम चला जाएगा. So it is better to be prudent about what clauses you're signing or you know, and then do it instead of कि जॉब मिल रहा है चलो ले लेते हैं. How about the relationships that pop up at the workplace? If, for example, the secretary and the boss, those famous stories that we have heard to go up the ladder. Do we have any laws around it? Because we have known some cases where there was like one amazing lady who rose to the top of the hierarchy because she got lucky. The guy got lucky. See, as long as it's consensual, that's fine. Now, आपने Me Too story सुना होगा, है ना, offices में, where because of the relationship you've had, जहाँ पे boss has of course power over you, ठीक है, आपको आप ये नहीं करोगे मेरे साथ तो मैं आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप ये नहीं करोगे तो आपको वो वाला जॉब मतलब some particular client नहीं मिलेगा, जो भी है incentive नहीं मिलेगा. So because of that, a woman has no choice or a man has no choice to but to agree. So that because that, वो consent is not consent ना, वो तो आपको किसी ने धमका के दिया है या ब्लैकमेल करके दिया है या there is some reason because you don't want to lose your job you have done it. So that is the grey area where most of these Me Too stories have come out in the past couple of years. There are all these cases. But आपने consent के साथ you have slept with your boss or you had an affair with your boss. Or good for her or good for him. Whatever works. That is whatever works for you. That's whatever good for you. Yeah. Interesting. The last segment. Let's talk about the inter-religion marriage. So जो मेरी wife है वो सिखनी है, like Sukhni. So when we got married, इन 2018 तो मुझे था उम्मीद कि जो गदर में हुआ था ना कि लड़ाई वड़ाई होगी नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं बिकॉज आई वॉज मोर लाइक ऐसा कुछ होगा बिकॉज बॉलीवुड का काफ़ी रोल रहता मेरी लाइफ के अंदर. बट देन आई आस्क्ड लॉट ऑफ पीपल एंड उनका ये सवाल था कि सब आसानी से हो गया था. मैंने कहा हाँ यार सब ठीक से हो गया था. सो क्या लॉज हैं अराउंड इंटर रिलीजन मैरिज? Suppose it is about like Sikhism and Hinduism. That's one combination. ऐसे बहुत सारे combinations हैं. तो अगर आप सब बता सको laws के centric for all those who plan to go for inter-religion marriage. Okay. So this is a very interesting part where you said Sikhs or Hindus. ठीक है. So as per law, Sikhs, Buddhists and Jains are Hindus. Yes. Okay. So हमारे country में we have laws for Hindus, where all these three communities also come in. We have laws for Muslims and we have laws for Christians. Ab Hinduism is the only law which is coded. मतलब पूरे country के Hindus follow only one law. Okay, which is, you know, we have the Hindu Succession Act, we have the Hindu Marriage Act. You know, all the Hindus across India follow it. Muslim law and Christian law is not coded. That means Muslims in different areas can have their own laws. कि आपका community कहीं Kerala से है Muslims, they'll have some different laws. Tamil Nadu से है, they'll have some different laws. तो उनके जो local laws है, उनके community laws will prevail over the other laws. तो they are allowed to be जैसे आप sects होते हैं Muslims का, उनका अलग अलग होता है. So they'll have different property laws, different succession laws. Same with Christians. There are some communities in Northeast, उनका अलग चलता है. There are some communities in Kerala, जिसका अलग laws होता है. There is one particular community in Kerala who is matriarchal in nature. Property उनका matriarchy से मतलब नीचे आता है with the women. Even in Northeast there is a village जहाँ पे ऐसा होता है. So they don't follow other laws which Christians follow. That is one thing. ठीक है, so all our civil rights, marriage, divorce, succession, property, inheritance are all based on religion in our country. ठीक है, now when it comes to inter-religion laws, तो one main thing if you are planning to get married outside the religion is to ensure you are legally married. मतलब है कि I'll give you an example that somebody recently spoke to me about their problems. They want to get a divorce. The boy is a Christian from Kerala. The girl is a Hindu from Maharashtra. Okay? They got married in a Christian style in the church. And they had a Hindu marriage also. But both the marriages are not legal, because the Hindu marriage act says only two Hindus can get married. The Christian marriage act says the two Christians can get married. Aap to alag alag ho. So one choice is to either you convert into the other religion and then you get married. It's a legal marriage. So if you don't want to convert, the only other way to have a legal marriage is called the Special Marriage Act. So Special Marriage Act is a particular act that has been legislated, which is secular in nature. It doesn't have any religious connotations, no religious laws. Purely man, woman come together and get married. Okay, so if you are having a wedding, please get registered under the Special Marriage Act or convert and get married. Otherwise, आपका marriage legal ही नहीं है. There was this case recently जहाँ पर 1-2 साल पहले one of the actresses दुबई में जाके शादी किया था, and मुझे I can't even recall her name, and she got married somewhere, and her marriage, she said, I'm not going to divorce my husband because my marriage is not legal at all. Marriage ही नहीं हुआ था. She won't divorce her husband. There is no need to divorce. So उनका divorce, मतलब उनका separation चल रहा था. So she said, I don't need to divorce him because. So she got married to another guy without a divorce. So people were like, how did she get married? So then she's like, we never had a legal marriage. So paper में legal ही नहीं है. So you don't, how will you get a divorce, no? So then it brings up a lot of complications because आप society के लिए तो married ही हो. But how can you get married without getting a divorce? But आपका marriage legally नहीं है. So this couple, they are facing the same issue that उनका paper में marriage is not legal. So how do you get the divorce then? That is a problem. So that is something you need to be careful about. Also another thing you need to be careful about when you're having an interreligious marriage is that जो भी आपका religions है, say you are married to your wife. Your religions will continue to the laws of your religion. You are subject to those laws. जैसे आप one is a Hindu, one is a Muslim. They had a special marriage act. So the woman continues with her Muslim laws. The man continues to inherit as per his Hindu laws. Okay, but the children of people who have had a special marriage act will cease to continue to follow their parents' laws. So, for example, the mother is a Christian, the husband is a Hindu, right? They both came together as per the Special Marriage Act. The kids would be Hindu? No, depends. Till the time of 18, and after 18, they are free to choose what they want to follow. No, the parents are free to choose what they want to give the child. Okay, so कोई compulsion नहीं है कि father का ही religion आगे follow किया जाएगा. Generally practice है India में कि father का ही religion follow करते हैं, but अगर दोनों का consent है तो mother का भी religion follow कर सकते हैं. And after 18, the kid is free to choose whatever he wanna choose. Yes, his or her religion. Practice as a religion. Yes. तो ये जो like for example, like जो example आपने दिया, for example, the woman is a Christian, the husband is a Muslim. अब मुस्लिम में inheritance is the son gets more than the daughter. It is as per the law. As per their laws. कितना मिलता है? ठीक है, half of what the son gets, the daughter gets. Okay, so 15%, 25%. Yes. ठीक है, तो ऐसे उनका split होता है. Whereas in Special Marriage Act equal split है. ठीक है, और for say example the man is a Hindu. ठीक है, उनका Hindu undivided family property है. HUF है, ठीक है, तो he will still be a part of the HUF, but उसका special marriage act हो गया तो बेटा will not be a part of HUF because HUF only Hindus can be. अब once the child is born, he'll go under special marriage act जिसमें HUF का concept नहीं है. तो it is best that you speak to a lawyer before getting married in a interreligious marriage, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं depending on what property you have, कैसे आपका घर family कैसे है. तो it's best to speak to a lawyer before getting married so that your marriage is legal and you know consequences of your marriage. True. I read somewhere about the prenuptial agreement, which is around that normally जो HNIs हैं वो लोग करते हैं साइन, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ गलत हो सकता है. सो दे विल जस्ट लिस्ट इट डाउन कि लाइक प्यार मोहब्बत एक तरफ और ये पैसा और लाइक प्रॉपर्टी एक तरफ, बिकॉज अननेसेसरी दो चीज़ें मिक्स हो जाएं एंड देन थिंग्स गो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. सो इन अ वे इफ़ यू आर अबाउट टू गेट मैरिड then take care of these things where first of all I always suggest कि go for a psychometric test कि क्या आप compatible हो या नहीं हो, because it is just about the feeling कि हाँ मुझे अच्छा लगता है उस इंसान के साथ, पर उनका क्या value system है, where they come from, their thought process, all those things matter a lot. that your compatibility सिर्फ आपका राहु कहाँ बैठा हुआ है उससे decide नहीं होगा, आप कितने compatible हो, emotionally mature हो. Give that time and also do all these legalities in place along with the medical tests and all before you finally get into a relationship. Where is the fun in that? I get that. You know, it's like a like clause 1, clause 2, clause 3, clause 4, clause 5. Marriage is madness. Ki, you know, the whole point of love is that madness. फिर वो ही चला जाएगा तो people will stop getting married. I mean, you can't go that. Like I know there are a lot of things. You get a medical test done, yes. Get a psychometric test done, get your lawyers clauses, but it is difficult. फिर वो contract हो जाता है. इश्क नहीं रहा. हाँ, फिर which Muslims have? Muslims marriages are contractual marriages. अच्छा. Hindu marriages are a sacrament. हाँ, कि बस अब तो लाइक 7 जन्मों तक हम साथ रहने वाले, नो मैटर वी कांट लिव वन लाइफ टुगेदर. हमारा प्रोसेस ही अलग है. तो if we start doing all this, then marriages become a contract. Which, yes, as a lawyer, I would say go for it to be safe. But as a human being, like a normal human being, I'd be like, no. सही बात है कि जो आपके like trust से अगर शुरुआत कर रहे हो, it's not possible to do that. You have to trust your partner a little bit. So वो है, but yeah, prenuptial agreements. I think it's a great concept which we need in India right now because there's so many cases, false cases of 498A, dowry, harassment, वो सब. तो it circumvents all that. But in India again, prenuptials are not legal. Oh. Because our, like we discussed, marriages are not a contract. Marriages are a sacrament. तो आप पहले ही कैसे लिख के डिसाइड करोगे कि हम ऐसे ऐसे करेंगे. बट येस देर आर सम हाई नेट इंडिविजुअल्स, इवन रेगुलर पीपल हु गेट इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. Okay, like for example, you and your wife can enter into a contract, a valid contract. So as per Contracts Act, there are certain conditions for a valid contract. Consent होना चाहिए. It shouldn't be against public policy. तो ऐसे वाले points follow करके, say a lawyer will draft a valid contract for you. You can still divide आपके properties या कि my doggy will go with you or with me. You know, these kind of things can be decided as long as it is not आपके राइट्स को कहीं पे मतलब इट्स नॉट अगेंस्ट योर राइट्स. तो दैट इज़ वन ऑप्शन यू हैव एंड इट डजंट हैव टू बी दैट यू नीड टू बी अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल टू डू दैट. अगर आपके पास कुछ भी हो, यू फील दैट दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, यू कैन गो गेट इन टू दैट. बट वेदर इट विल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स विल एंटायरली डिपेंड ऑन हाउ वेल योर लॉयर हैज ड्राफ्टेड इट. बट जो हार्दिक पांड्या साहब के साथ हुआ वो तो फिर गलत हुआ ना, कि 70% ऑफ हिज वो तो गलत है ना. उसका उनका डिवोर्स ही कहाँ हुआ. इट इज जस्ट अ रूमर, इट्स जस्ट अ रूमर. या एंड देयर इज नो वे दैट अ वाइफ विल गेट 70% ऑफ. वी जस्ट डिस्कस दैट वाइफ विल नॉट गेट एनी राइट ओवर द प्रॉपर्टी. तो अगर आप 50%, 70%, वॉट एवर दे टॉकिंग अबाउट आर ऑल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स. Exactly. So कहीं ना कहीं these people would not like to go for a public trial. Yes. They like prefer to do it out of the court. Obviously, they don't want all their dirty linen washed in public. Yes. And you know our public, how we are. We are so judgmental as public. Who would like to come out with a? So, but कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें, in spite of having a decent relationship with your partner, if things go this way, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि out of court भी 50%, 60% हो सकता है. Very rarely, like as an individual, why will you give 50% of your wealth or 70% of your wealth away unless you're at. हम सुनते हैं ये चीजें ना. Unless you're at a major fault. अच्छा, अगर आपकी fault है. कि आप मतलब सोच ही लो ना, आप जिंदगी में क्यों इतने कुछ दे दोगे without a reason. That's what I keep telling people that oh alimony क्यों दे रहे हैं alimony लोग. For a peace of mind. Peace of mind or you know you're at fault, you've done something wrong. That's one. है ना, आपका 10 अफेयर चक्कर चल रहा है, आपको नहीं बाहर नहीं लाना है वो, तो यू विल सेटल फॉर मोर. यू हैव अब्यूज्ड योर वाइफ, यू बीटन हर, शी इज बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड, यू डोंट वांट दैट टू कम आउट. सो दे आर ऑल, देर इज समथिंग बिहाइंड ऑल दिस कि वॉट यू रीड इज नॉट वॉट इज रियलिटी. सो that is 100% true for divorce cases. So please don't go by random news headlines ke usko 50% mil gaya, 70% mil gaya, they're all, it could be, but they're all not court mandated, never. So there are like two kinds of people in the industry. One is like acha ki is like startup ne itna fund raise kiya, and one is like acha ki isne itna raise kiya through the divorce, kaun sa option acha rahega, and that's how they go about it. Awesome. Miss nice. Tanya Appachu Kaul, thank you for doing this. It was wonderful so speaking with you. Thank you. Even I had a great time. A lot of crazy insights, and I'm sure that all those who listen to this episode would have got profound insights around their rights. And at least लोग सोचना शुरू करेंगे. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद बदल ना पाएं because of the समाज, but at least कुछ ध्यान रख सकें अपना और नेक्स्ट जनरेशन का. दैट कैन बी लाइक स्लाइट चेंज. यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. थैंक यू फॉर डूइंग दिस. थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर.